नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शहडोल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर प्रशासन ने ढील देते हुए ऑड इवन के तेज पर निर्धारित दिए राइट लेफ्ट प्रणाली से दुकान संचालन की अनुमति दी गई है, जिसका जायजा लेने आज पुलिस अमला सड़क पर उतरा, जहां कुछ लोग नियम विरुद्ध निर्धारित दिन नहीं होने के बावजूद दुकानें खोले थे, जिनका चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई। सोमवार से शहडोल में दाई बाई प्रणाली से दुकान संचालन की अनुमति दी गई थी, जिसके लिए प्रशासन व पुलिस ने पहले की तैयारियां कर ली थी। इसी बात का जायजा लेने आज पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरे और पुलिस अधिकारियों की टीम ने जायजा लिया। इस दौरान कई दुकानदारों ने अपनी बारी नहीं होने के बावजूद दुकानें खोल रखी थी, जिनकी चालानी कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें समझाइश भी दी गई। लग रही सर, दो दिनों से लगातार पुलिस अनुराग का भ्रमण कर रही है। एक दिन बाएं तरफ की दुकान खुली थी, दूसरे दिन दाएं तरफ की। चूंकि जिले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के अनुसार 6 तारीख से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसके बाद में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है, तो ये तय हुआ था कि दाहिने और बाएं तरफ की दुकानों को बारी बारी से खोला जाना है। तो इसको लेकर जनता में भ्रम न हो, इसलिए हम लोगों ने सर्वे करवा के बाकायदा चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद इसके स्टिकर लगवाए हैं, पंपलेट लगवाए हैं, दुकानदारों को जागरूक किया है और व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जिनकी दुकान खोलने का क्रम है वही दुकान खोले, इसके लिए हम सभी अधिकारियों ने पैदल भी भ्रमण किया है और लगातार दो दिनों तक हम लोगों ने शहर में भ्रमण किया है। उससे काफ़ी कुछ व्यवस्था अच्छी है। जिन दुकानदारों को भ्रम था उसका भ्रम दूर हुआ है। जहां हमें समझाइश देना था बिना मास्क के कुछ लोग मिले, उनकी चालानी कार्रवाई हुई है और एक जनता में अच्छा मैसेज हुआ है, लोगों में काफ़ी जागरूकता है और कोरोना गाइडलाइन का पालन। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।